इतनी गर्मी में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। बहुत सारे ऐसे जो फ्रेंड्स हैं पूछते रहते हैं कि गर्मी में क्या करें, हम अपने पौधे किस तरह से बचाएं, हमारे तो जल रहे हैं, पत्तियां जल रही हैं, प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो ये तो सबके साथ ही है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है तो हमारे प्लांट तो छोटे छोटे हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट लगती है, और इतनी जो तेज़ धूप होती है ना, उससे हमारे जो पौधे हैं वो जल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें पौधों को बचाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह जो है इनको पानी देना है, पानी देना है। पानी देने के बाद इन पे छिड़काव करना है, छिड़काव ज़रूर करना है। इस तरह से आप स्प्रे बोतल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डब्बे से इस तरह से पानी छिड़क सकते हैं। इससे ये होगा मॉइस्चर इनमें बना रहेगा, पत्तियों पे पानी रहेगा, तो काफ़ी हद तक ये बचे रहेंगे। तो ये काम हमें सुबह सुबह ही करना है, धूप होने के बाद हमें ये काम नहीं करना है। और मेरे गार्डन में तो आप देख रहे हैं, सुबह जब 6 बजे सूरज निकलता है ना, तो डायरेक्ट सीधी धूप मेरे गार्डन में लगती है, और ये जो धूप है ये 12 बजे तक मेरे गार्डन में रहती है। तो इसी तरह मैं डेली शावरिंग करती हूँ, सुबह करती हूँ और शाम को भी करती हूँ। दोनों टाइम हमें अपने पौधों को वॉटरिंग करनी है। दोपहर में पानी कभी नहीं देना है, क्योंकि दोपहर में पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत गर्म हो जाती है, इससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो दोपहर में पानी नहीं देना है, सुबह पानी देना है, अर्ली मॉर्निंग देना है और छिड़काव करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें पौधों को इस तरह से कवर कर देना है। अगर ग्रीन नेट लगा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से ढक दीजिए। हो सके तो, पॉसिबल हो तो आप ग्रीन नेट लगवा लीजिए, नहीं लगा है तो। अगर ग्रीन नेट लगवाने का मतलब वो बजट नहीं है या कोई स्पेस नहीं है ऐसा, तो हम अपने पौधों को इस तरह से ढक सकते हैं। कपड़ा ले लीजिए, हमारे घर में चुन्नियाँ वगैरह बहुत पड़ी रहती है, वेस्ट कपड़े, वेस्ट चद्दर है ना, तो उससे आप ढक सकते हैं। और मैं तो अपनी जो साड़ी है, मैंने अपनी साड़ी काटी हुई है, तो मैं इसी से अपने पौधों को ढक देती हुई। देखिए, 3 टुकड़े मैंने अपनी साड़ी के किए हुए हैं, क्योंकि साड़ी जो होती है 6 मीटर लंबी होती है, तो काफ़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से मैंने एक तरफ ढक दिया है। अब जो सामने का एरिया है इनको भी मैं कवर कर देती हूँ। तो इस तरह से पूरे पौधों को मैं कवर कर देती हूँ। रह जाती है बास्केट, बास्केट को मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बास्केट में भी बहुत ज़्यादा हीट लग रही है। इनको भी सोच रही हूँ मैं किसी न किसी तरह से कवर करूँगी। पिछले साल तो मैंने कर दी थी कवर, लेकिन अब की बार अभी मैंने कवर नहीं की है, तो बास्केट को भी मैं कवर करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं बास्केट को कवर करूँगी। अभी तो मैं पौधों को ही कवर कर रही हूँ, नीचे वाले जो पौधे हैं, पॉट्स हैं, उन्हीं को कवर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमने पानी वगैरह डालने के बाद हमें इस तरह से स्पेस पौधों को ढक देना है, अच्छे से ढक देना है। इससे ये होगा काफ़ी हद तक हमारे पौधे बचे रहेंगे। और देखिए, इधर वाले जो है हार्डी परमानेंट प्लांट है ये मेरे, इनको भी मैं कवर कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने रिजाई का जो होती है ना, रिजाई हमारी, उसका मैंने ये कवर लिया है, रिजाई का कवर लिया है ये। इससे ये डबल है, रिजाई का कवर जो है डबल है, इससे मेरे जो है पौधे काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। आप देख सकते हैं, हीट लगेगी नहीं इन पे, डायरेक्ट जो धूप है वो पड़ेगी नहीं, बस ये है हाँ धूप तो इन पे लगेगी, लेकिन डायरेक्ट धूप से बचे रहेंगे। इससे ये है काफ़ी हद तक हमारे पौधे बचे रहेंगे, जलने से बचेंगे, और इनकी पत्तियाँ जो है बर्न हो जाती है वो ठीक रहेगी, मिट्टी कम सूखेगी। तो कई काम ऐसे हैं जो हमारे इस तरह के ढकने से हमारे काम जो है सही रहेंगे और हमारे पौधे ठीक रहेंगे। तो ये काम तो हमें करना पड़ेगा। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो मेरी तरह, जैसे मेरे पास ग्रीन नेट नहीं है, तो मैं अपने पौधों को इसी तरह से कवर करती हूँ। और मेरे पौधे आप देख भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं, और कई ऐसे हैं जो जल गए हैं, बस जैसे बास्केट के हैं वो जलने लग रहे हैं, तो बास्केट को भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने सभी पौधों को कवर कर दिया है। आप भी इस तरह से करिए। मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।